इधर लंपी वायरस की खबर भी अब सामने आ रही है। इधर सरकार इसको लेकर सतर्क है। लंपी वायरस को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। रोकथाम और बचाव के लिए भोपाल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। NIHSD ने प्रभावित इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। लंपी वायरस को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड पर है। लंपी वायरस को लेकर सरकार ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। रोकथाम और बचाव के लिए भोपाल में कंट्रोल रूम बनाया गया है, यानी सरकार सतर्क है। NIHSD ने प्रभावित इलाकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जहां ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं वहां एडवाइजरी जारी करके उसका अनुपालन कराया जा रहा है। सरकार सतर्क मोड पर है, अलर्ट मोड पर है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है, लेकिन अब एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब सरकार सतर्क मोड पर है, अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें बिल्कुल साफ है, चूंकि लगातार लंपी वायरस के मामले जो है वो यहां पर देश भर में अलग अलग सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इसकी आहट देखने को मिल रही है। इस बीच अब सरकार सतर्क हो चुकी है। हालात ना बिगड़े उसके पहले ही सरकार ने कदम उठाना शुरू कर चुके हैं। इधर कंट्रोल रूम तैयार कर दिया गया है। निगरानी लगातार की जाएगी पशुओं को लेकर। दरअसल इस तरह के लक्षण पाए जाने पर सीधी जानकारी जो है वो विशेषज्ञों को देनी होगी। चलेंगे राजधानी भोपाल, एक बार फिर बात करेंगे सहयोगी अमितांशी जोशी से। अमितांशी, लंपी वायरस को लेकर सरकार अलर्ट, क्या कुछ एहतियात सरकार बरत रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो आसपास के प्रदेशों से कहीं ना कहीं लंपी वायरस जो है वो दोबारा एक बार डराना उसने शुरू कर दिया। और रायसेन के जिले में भी कई ऐसे मामले इसके सामने आए थे, लेकिन अब सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर अलर्ट हो गई है और प्रशासन ने भोपाल में इसका एक कंट्रोल रूम तैयार किया है। देखिए, जो कंट्रोल रूम है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कहीं से भी अगर सैंपल आते हैं, कहीं से भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनके सैंपल सीधा भोपाल भिजवाने के निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो NIHSD ने यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि अगर कहीं शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द जो भी आसपास पशु चिकित्सक है उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, जिससे कि वो वहां पर पहुंचकर शुरुआती लक्षणों का सैंपल भोपाल के कंट्रोल रूम भेज सके। देखिए, वायरस ना बढ़े और ज्यादा परेशानी ना हो पशुओं में और भी लोगों में, इसको लेकर कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये चर्म रोग फैलता है, अभी तो ये जानवरों में फैल रहा है लेकिन इंसानों तक आने में इसको देर नहीं लगेगी। हालांकि ऐसा फिलहाल कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन पहले से ही अलर्ट पर प्रदेश सरकार है। देखिए, पशुओं के आवागमन पर दूसरे प्रदेशों से फिलहाल अभी भी रोक लगी हुई है और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर प्रदेश सरकार जो है, पशु संसाधन विभाग जो है वो लगातार नजर बनाया हुआ है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सैंपल्स को भोपाल बुलवाया जा रहा है, यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है और इसी को लेकर जो है पूरी तरीके से सरकार अलर्ट पर है। तो आने वाले समय में अगर लंपी वायरस के जो चरणों के और भी कहीं मामले सामने आते हैं तो सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर रहेगी, एडवाइजरी भी जारी कर दी है और कोई भी लापरवाही सरकार इस बार बरतने को तैयार नहीं है, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी परेशानी हो और ये चर्म रोग एक बड़े स्तर पर फैले, इसको लेकर सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। ठीक है, अंशु, लगातार बने रहिए हमारे साथ में, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। तो ऐसे में सरकार अलर्ट मोड पर है, एहतियात बरत रही है, कंट्रोल रूम तैयार कर दिया गया और उस पर निगरानी रखी जाएगी।